नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। भाजपा का व्यू या कांग्रेस का चक्रव्यूह, चंपावत के समर से जिस पर भी सेन की गेंद लगेगी, नतीजों में 3 दिन बाद उसे निसंदेह निराशा हाथ लगेगी, जिसका दोनों ही पार्टियां स्वागत नहीं करती। यही कारण है कि वोटिंग से ठीक पहले जहां कांग्रेस के दिग्गज अनूठे तरीके अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के फायर ब्रांड नेता चंपावत पहुंचकर वोटर्स को लुभा रहे हैं। ऐसे में दलों का दमखम 31 मई की जंग को दिलचस्प मोड़ पर ले आया है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सिर जीत का सहरा बांधने के लिए संगठन के बल का पूरा प्रयोग करती दिख रही है भाजपा। इसी कड़ी में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड पहुंचे। कहना पड़ेगा कि भाजपा शक्ति का प्रदर्शन करना बखूबी जानती है और कहीं ना कहीं जनता ही पार्टी के इस प्रदर्शन को पूरा पूरा प्रोत्साहन भी देती है। तभी तो योगी के जनसभा स्थल पर पहुंचते ही लोगों ने योगी योगी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब भैया, योगी आदित्यनाथ का डंका तो देश में बचता है, तो उस राज्य में कैसे नहीं बचता जिसका योगी से सबसे पहला नाता है। खैर, विषय पर वापस आते हैं। योगी चुनावी समर में सीएम धामी के समर्थन के लिए उतरे। चुनावी बिगुल फूंकते हुए योगी ने इस दौरान कई अहम बातें कही। उनके संबोधन के 5 सबसे प्रभावी बोल देखे तो वो है, योगी का उपचुनाव को जनता के लिए मुख्यमंत्री चुनने का अवसर बताना। योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि उत्तराखंड के विकास का नेतृत्व अब चंपावत करता दिखाई देगा। यूपी के सीएम का संबोधन के साथ साथ लोगों से संकल्प कराना कि पहले मतदान और फिर जलपान। इसके अलावा योगी का धामी पर भरोसा दिखाते हुए कहना कि धामी चुनाव जीतेंगे, इस बात पर कोई संदेह नहीं है। और आखिर में उनका सीएम धामी का समर्थन करते हुए जनता के चयन को प्रदेश के विकास से जोड़ते हुए कहना कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मॉडल राज्य बनेगा, यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। ये वो तमाम हाइलाइट्स ही जिसका बड़ा असर नतीजों में देखने को मिल सकता है। वैसे सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उत्तराखंड कैबिनेट के लगभग तमाम मंत्री चंपावत के रण में डेरा डाले हुए हैं। आपको जानकारी होगी कि भाजपा प्रदेश संगठन इन दिनों दिन रात उपचुनाव के बिसात बिछाने में व्यस्त है। इसके लिए कई मंत्रियों को अलग से जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक गणेश जोशी, विधायक चंदन राम दास जैसे नेताओं का नाम शामिल है। बाकी की फौज के साथ धामी के प्रचार में जुटे इन मंत्रियों का पूरा साथ चंपावत में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी निभा रही हैं। उपचुनाव को लेकर अगर कांग्रेस के बयानों पर आपका ध्यान होगा तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की रणनीति में महिला कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को महिलाओं के सम्मान से भी जोड़ते दिखे हैं। इसके बदले भाजपा की रेखा आर्य उपचुनाव के रण में विपक्ष को कांटे की टक्कर दे रही है। यानी दोनों ही दल इस दंगल में बराबर के पैतरे अपना रहे हैं, खासकर की कांग्रेस, जिनके दिग्गज नेता हरीश रावत मतदाताओं को साधने के लिए अनूठे अंदाज में उतर आए हैं। विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड कांग्रेस की कमान संभाल चुके हरीश रावत भले ही जीत के मुकाम से कोसों दूर रह गए हों, लेकिन मुकरा नहीं जा सकता इस सच से कि हरदा के पैंतरे जनता को बखूबी अपनी ओर खींच लेते हैं, कम से कम उनका ध्यान तो खींच ही लेते हैं। खैर, देर से ही सही, डिजिटल लड़ाई को छोड़ युद्धभूमि में उतरे हरीश रावत एक के बाद एक दांव खेल रहे हैं। क्या है वो? हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चंपावत बाजार में जलेबी बनाते दिखे हैं। कुछ ऐसा ही अंदाज उन्होंने विधानसभा चुनावों में भी दिखाया था। इसके अलावा वोटर्स को लुभाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अपने उन बयानों के तीर भी चलाते दिखे जिनके बूते उन्हें कद्दावर कहा जाता है। असल में बेहद कुशलता से इस दौरान हरीश रावत ने चंपावत उपचुनाव को नारी स्वाभिमान से जोड़ दिया। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के प्रचार में जुटे हरदा बोले कि कांग्रेस के लिए चंपावत उपचुनाव नारी स्वाभिमान का मुद्दा है। संघर्षों से तपी निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतार पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। यही नहीं, चौक तो ये सुनकर भी जाएंगे आप कि बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे हरीश रावत चिलचिलाती धूप में बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार के लिए जाते वक्त मोटा हल्दू में NH 109 पर उन्होंने काफिला रुकवाया और सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों को देखकर गाड़ी से उतरकर धरने पर बैठ गए। हरीश रावत के ये सारे दांव पेच कुछ लोगों का अतरंगी लग सकते हैं, लेकिन ये सियासत की जंग है। यहाँ एड़ी चोटी का दम नहीं लगाया तो बनी धाक भी पल में धराशय हो सकती है। यहाँ तो समय ही नहीं बचा है और तरीके अपनाने के लिए, क्योंकि उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
भाजपा के सबसे प्रभावी चेहरों में और देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में से एक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक था। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ताज और उनका राजनीतिक भविष्य ही नहीं बल्कि राज्य के सीएम कुर्सी के उत्तराधिकारी के चेहरे का भाग्य भी इस उपचुनाव पर टिका है और यही तथ्य उपचुनाव को इतना महत्वपूर्ण, इतना अहम बनाते हैं, साथ ही रोचक भी। ऊपर से दोनों दल जिस ताकत से हमला कर रहे हैं वो सियासी सरगर्मियां बढ़ाए हुए हैं। भाजपा पूरे फॉर्म में है और कांग्रेस भी पहली बार मुट्ठी बंद कर अपनी प्रत्याशी का समर्थन करने उतरी है। ऐसे में 3 दिन बाद होने वाली वोटिंग दरअसल वॉर से कम नहीं, वही युद्ध जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बस देखना ये है कि धामी की फौज या गहतोड़ी का दल कौन जीतेगा चुनावी दंगल। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।